देखिए सईद लगातार आज तक पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हुआ है और यहीं डटा हुआ है। हम लोग हाथरस में पीड़िता परिवार के घर पे, क्योंकि आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो टिप्पणी की उसको लेकर हम परिवार से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। सत्येंद्र भैया सॉरी, आप बताइए भैया, क्या आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बहुत ही भयानक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है, और सरकार से भी पूछा कि अगर कोर्ट की निगरानी में होता है ये पूरा मामला की कार्रवाई तो आपको कोई दिक्कत है कि नहीं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के दखल से संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं, सुप्रीम के उससे संतुष्ट हैं हम लोग। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद यही है कि देखो, हमें न्याय चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, हमें तो न्याय के, हम तो बस उसी के लिए हम लोग कर रहे हैं, मिट्टी को न्याय मिलना चाहिए। लगातार अगर आप देखिए, सरकार ने जो अपना एफिडेविट दिया है, जो जवाब दिया है, उसमें एक बात कही है कि आपसे पूछा गया था जब अलीगढ़ अस्पताल में थी बिटिया भर्ती, कि उसको बड़े अस्पताल में ले जाए कि नहीं, और आपने उसकी अनुमति नहीं दी, ऐसा लिखा गया है। तो आपने अनुमति क्यों नहीं दी चाचा? ओ, हमें तो डॉक्टर बोलते कि यहाँ कंडीशन खराब है तो हम ले जाते। हाँ। तो इसी वजह से हमने कहा कि वो बोली उन लोगों ने। नहीं, उसमें ये लिखा है चाचा कि लगातार परिवार से पूछ रहे थे डॉक्टर कि इनको बड़े अस्पताल ले जाओ, बड़े अस्पताल ले जाओ, और आपने इजाजत नहीं दी, ऐसा हुआ क्या? हाँ, जाने के लिए बोली, पर जो है कि कहा कहते हम लोगों ने बोला कि इलाज सही चल रहा हो तो यही इलाज है जाए तो बढ़िया है। ये तो डॉक्टर जो बोल के ऊपर थे, वो भेजना चाहते, क्योंकि हम लोग बोले कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं मिलना है तो यहाँ पर मिलना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, हम पूरी कोशिश करते हैं। जब ज़्यादा कंडीशन खराब, उन्होंने बोला था कि हम लोग अब रेफर कर रहे हैं, मैंने ठीक है कर दो, आपकी जो आप बोलोगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर तो है नहीं, ऐसी बात है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर था कि ठीक हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ उस टाइम समय नहीं था जब बहन को वहाँ पर वेंटिलेटर पर रखा गया है, मैं तो यहाँ पर गाँव में आ गया था, भाई था मेरा। भाभी जी, आप कुर्सी पे बैठिए, यहाँ पे महिलाओं का जो कद, आप बैठ जाइए कुर्सी पे। यहाँ पे जो सामाजिक व्यवस्था है सईद, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत दुख होता है जब आप दूर दराज के गांव में आइए और यहाँ पे जो स्थिति है, भाभी है उनकी पीड़िता की, एक स्टेटमेंट भी दिया गया है, आपके पति का स्टेटमेंट है पुलिस थाने पर। क्या आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट दखल देगा तो कुछ आपको इंसाफ मिलेगा? और कोर्ट की निगरानी चाहते हैं आप, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, पर क्या चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी रहे? हाँ, सही है, चाहते हैं हम लोग तो, ये होना चाहिए ऐसा। सीबीआई अगर अकेले करे तो? नहीं, सीबीआई से जांच नहीं चाहिए थी, कोर्ट से ही चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जरिए। कोर्ट के जरिए? हाँ, जो भी होगा सही होगा उनका फैसला, इसलिए हम लोगों ने ये लोग डिसाइड किया कि मतलब ऐसा होना चाहिए। अच्छा बताइए, आप इतने दिनों से यहाँ पे, इतने लोग मिलने आए, ना खाने की सुध, ना पीने की सुध, ना मातम मनाने की सुध, किस तरह से जिंदगी जो है आपकी बहुत दर्दनाक हो गई? सब हमारी परेशानी में आ रहे, हमारे दुख को सुन के आ रहे, हमें उन लोगों से कोई ऐतराज नहीं, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे उसके लिए, हित के लिए सारे लोग आ रहे हैं, तो इससे खाने पीने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे भी नहीं खा रहे थे, अब और नहीं खा रहे तो कोई परेशानी नहीं है। भाभी, अपनी सुरक्षा को लेके चिंता जताई थी, अब पुलिस बहुत सारी है, काफी पुलिस, आप देखिए ऊपर भी अगर आप नजर दौड़ा लीजिए, शकील आपको दिखाएंगे, छत पर भी पुलिस है, बाहर भी पुलिस है, उसके बाहर भी बैरिकेड लगे हुए हैं, एक डायरी मेंटेन की जाती है, और लगातार इस तरह से जो है निगरानी बनाई जा रही है, तो उससे आपको लग रहा है कि अब सुरक्षा है मेरी, मेरे परिवार शायद होगी, शायद होगी, और क्या, जब लोग कर रहे हैं सरकार की तरफ से इतना हो रहा है तो सुरक्षा ही में है हम लोग, सुरक्षा में है। आपने जो स्टेटमेंट दिया है वो सरकार ने शामिल किया है, आपको पता है पुलिस को आपने क्या स्टेटमेंट दिया? जी हाँ पता है मेरे को, मैं उसमें दिया है कि मेरी बहन को मतलब उसको गला घोट के मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि ये क्या बात हुई है, क्योंकि मेरे को, मैंने बहन तक जब पूछ नहीं पाया, क्योंकि जब तक बहन ने जो नाम बताया उसके बाद बेहोश हो चुकी थी। हाँ, तो मैं तो मम्मी और ये तो बाहर थी, जो चंदपा थाने के चबूतरा पे लेडी, मेरा अंदर अलग था, तो
फुर्ती से मेरा कंफर्म नहीं था, बस मेरे को उसकी जो हालत थी उसके हिसाब से मैंने स्टेटमेंट जो लिखा था। हाँ, फिर जब बहन को जब होश आया अलीगढ़ में, जब मम्मी को बहन ने बताया है तो मम्मी ने फिर मेरे को बताया, जब जाके ये ज्ञापन दिया है मैंने एसपी ऑफिस। आप घास लेने गए थे उस समय, स्टेटमेंट पे है कि आप घास डालने वापस गए थे, आप वहाँ पे थी, आप लेके आई बिटिया को वापस घर कि आपने इंतजार किया? नहीं, घर नहीं लेके आई, वही खेत की खेत ले गए थाने। खेत आप ले गए? हाँ। आपका भी बयान चल रहा है कि आपने अलग अलग बातें की, तो क्यों ऐसा ऐसे बयान आए? पहले आप डरी हुई थी या क्या था? जब मेरी लड़की को होश आया जबी तो बोलोगी ऐसे कैसे किसी के नाम लिखवा दूंगी मैं। हाँ, सही बात है। जब मेरी लड़की, जब मेरी की लड़की की जीभ कटी हुई थी, एकदम खून में पूरी जीभ हो रही थी, बेटा मैंने क्या हुआ तेरे साथ, वो हाथ हला रही थी जो करके, उसकी जीभ ही नहीं उठी तो क्या बोलती वो, और आवाज नहीं निकल पा रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही उसकी लड़की की, गर्दन की ये हड्डी ये टूटी हुई थी, बिल्कुल ऐसी है गई, बिल्कुल जैसे पोलिया मार जाता कमर से जाता था, लैटरिंग करी थी, उसे मालूम नहीं पड़ी कि लैटरिंग कर गई हूँ मैं, बिल्कुल बेकार ऐसे टोटे से हाथ हो गए वहां के, बिल्कुल काम नहीं कर रहे, पैर भी काम नहीं कर रहे, मैं जो ठाड़े करती तो जो गिर जाते बेड पे, मैं ठाड़े करती पैर, किसी भी जान तो आ जाए, बिल्कुल जान नहीं, नोचती बेटा जब कुछ कह रहा है नहीं मम्मी, लैटरिन करेगी तो उसे सल नहीं पड़ेगी, लैटरिन मैंने कर ली है, लैटरिन भी दो तीन दिन करी है। तो आपने जब उन्होंने नाम गिनाने शुरू किए तब वो होश में थी, वो पहचान सकती थी इसीलिए नाम बता पाई, नाम लोगों को पहचान सकती? हाँ, उन्होंने पहचान ली है, पहचान ले जब गांव के ही है, गांव के ही है, और ये कहती मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी, मम्मी ठीक हो जाऊंगी, कब ले चलेंगे बेटा, मैंने और नेक रुक जा सही थे है जा, जब ले चलूंगी। आपको बता दें कि एक भाई बाहर था, आप बाहर थे, आप गांव में नहीं थे, आप कहाँ पे थे बताइए? मैं गाजियाबाद कंपनी में काम करता हूँ, उस दिन मैं ड्यूटी में था, ड्यूटी पे थे, मेरे पास यहाँ से फोन गया था, तब वहाँ से मैं वहीं हॉस्पिटल पहुँचा सीधा, यहाँ पे भी नहीं आया। भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, अलग अलग भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, क्योंकि एक आरोपी का नाम उनके भाई से मेल खाता है, वो भाई जो कह रहे हैं कि उस वक्त वो नोएडा में थे, इसलिए भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं, पर हकीकत ये है जैसा कि भाई कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप घटना के दौरान यहाँ थे नहीं, और आप कब आए ये बताइए? मैं यहाँ पे 14 तारीख को जब मेरे पास सुबह 10:30 बजे फोन पहुँचा था, उस टाइम मैं ड्यूटी में था। कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? मैं गाजियाबाद वसुंधरा। हाँ, करते हैं। हाँ, तो ड्यूटी में पहुंच चुका था मैं, जब मेरे पास फोन आया 10:30 बजे यहाँ से। हाँ, किसी लड़के का फोन गया, तब मैं वहाँ से सीधा घर पे भी नहीं आया, मैं हॉस्पिटल ही पहुंचा हूँ सीधा, वहाँ एक दिन भी बीच में यहाँ पे घर पे भी नहीं आया, मैं सीधा जब बहन मेरी खत्म हो गई है तब मैं यहाँ पे आया हूँ घर पे, 10 दिन तो मैं नहाया भी नहीं हूँ। 10 दिन से यहाँ, ये उस दिन आए हैं जब घटना का पता चला, इन्हीं का नाम आरोपी के नाम से मेल खाता है, और कहा जा रहा है लगातार कि इनका कोई रोल, इस तरह की भ्रांतियां इनका कहना है फैलाई जा रही है, जबकि ये यहाँ पे थे नहीं। माता जी आपसे पूछेंगे, ये भी अफिडेविट में लिखा है कि पहली बारी जब उन्होंने आरोपी का, एक आरोपी का नाम लिखाया, तब बाकी आरोपी का नाम क्यों नहीं लिखाया? जब लड़की और आपने बाद में बोला कि तीन और लोग हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? बताया नहीं लड़की ने, जब उसे होश आया जब बताया लड़की ने, ऐसे कैसे मैं नाम लिखवा दी किसी बच्चे का है? जब उसे होश आया मम्मी इतने थे ठीक है, पर आपने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है? क्योंकि विश्वास था, ये गाँव बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारे साथ ऐसा होगा, रोज जाते हम, एक दिन थोड़ी ना जाते, हमारे साथ रोज का काम घास का। वो भी 2-3 दिन पहले से जाने लगी थी, नहीं तो पापा जाते थे हमारे साथ, क्योंकि पापा को काम मिल गया था आयुष फार्मेसी, उसमें पापा अभी करीब जो घटना जो हुई थी उससे करीब 8-10 दिन पहले काम पे बुला लिया था, नहीं तो पापा और हम तीनों ही जाते थे, और कोई बहन तो जाती नहीं थी, वो तो घर पे ही खाना पीना वही बनाती थी। अच्छा, तो पापा का काम लग गया था इसलिए फिर उसके बाद बेटी जाने लगी थी? वो नहीं जाती थी, नहीं तो हम ही दोनों तीनों जाते। बाबा आपने अपनी बेटी को पढ़ाया क्यों नहीं ये बताइए आप, क्यों नहीं स्कूल? स्कूल का कहते दूर है, यहाँ 5 तक की क्लास है, ज्यादा वो पढ़ाई नहीं, पैसा नहीं। भी नहीं है कि जो फिर पैसा भी नहीं था, इतना पैसा ही नहीं था, जो कि हम भी खुद नहीं पढ़े आगे तक, इतना पैसा नहीं था कि जो अच्छे स्कूल में पढ़ सके। अच्छा ये बताइए, अभी तक डीएम पर कार्रवाई नहीं हुई है, प्रशासन
जो है जिस तरह से प्रशासन ने रवैया किया, जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उसको लेके आप संतुष्ट हैं? अभी क्या मांग है आपकी? मांग तो सब यही है कि जो न्याय मिलना चाहिए, और जो भी जिन्होंने जो हस्ते में जो करा हमारे साथ उनके वो थोड़ा टाइट से करे, उन लोगों को कार्रवाई करे उनको भी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो लड़की साथ किया, बहन के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके भी आगे बेटी बेटी भी सब कुछ है, उन्हें सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आप देखिए सईद, यहाँ पे ये जो आंगन है, यहाँ पे अमूमन जो बिटिया है उनकी, यहाँ पे बैठ के शाम के वक्त चूल्हा जलाती थी, घर परिवार के लिए खाना बनाती थी। और पहले बताइएगा घर आके भैया। हाँ बताइए, ये झाड़ू ये वही बनाती थी जो रखी है, और ये लीपा पोते यही उसी ने करा, ये जो करा है जी, और ये भी पूरा दिख रहे हैं, वही करती थी। पूरी रौनक जो है घर की रौनक उसी से थी। जी हाँ, उसी से थी, बहन से। शाम के वक्त फिर और वो खाना पीना जब भी खाती थी, पूजा वूजा करके, जो तुलसी है उसी के हाथ की लगी हुई है, ये जो तुलसी है उसी पूजा उसी के हाथ की लगी हुई है। घर के आंगन में तुलसी लगी हुई है वो भी उसके हाथ की है। क्या माता जी क्या बता रही है, ये देखिए आप, उसी ने बनाई थी उसी दिन। उसी दिन बनाई थी जहाँ सुबह सुबह काट के रखी गई, कि मम्मी ऐसा है कि क्या कहते हैं सड़ जाएगी, भीतर धर दी, जिससे साड़ी को बना के रख दी। घर की चिंता बहुत थी उसको, बहुत थी, वो बना के रखी गई। मेरे साथ गई थी मम्मी, चलो तुम, कि मैं मुझ काट लाऊंगी और झाड़ू है नहीं है घर पर, मैं चल, वो बना के रखी गई है। क्या आपको इस बात का अफसोस होता है कि आपकी बिटिया के लिए आपने सपने देखे होंगे, कुछ सोचा होगा, इतना दर्दनाक वाक्य आपके साथ हो गया और उसके बाद आपको मातम मनाने का? अब देखिए, अपना हो या पराया हो, कोई भी कंधा दे देता है तो ये माँ रो लेती है। ये देखिए, ये भी उन्होंने बनाया, बहन ने बनाया, ये भी अपने हाथ से सिलाई कढ़ाई, हाथ से, अपने हाथ से बनाया है। ये जो भी साड़ी को फाड़ फाड़ के बनाया है, जो गंदी वैसी साड़ी थी उसको फाड़ के छोटा छोटा टुकड़ा करके उससे जोड़ जोड़ के बनाया उसने। ये मत देखिए हमारा, हम आपको रुलाना नहीं चाहते हैं, मुझे मालूम है कि आपके लिए इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है, पर जरूरी है आपको जानना कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार ये इंसाफ की लड़ाई बहुत लंबी है, आप लड़ेंगी ना इस इंसाफ की लड़ाई? अपनी बिटिया के लिए लड़ेंगे, लगातार तमाम तरह के आरोप लगेंगे, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि देर से क्यों याद आया आपको, इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप अपने अपनों को बचाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग को जो आरोप? एक मनीषा चली गई है, अब भारत में बहुत सी मनीषा ऐसी हैं, उनके साथ ऐसा हादसा ना हो, इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और बोलते रहेंगे हमेशा, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है किसी के साथ, ऐसा ना हो। सारी बेटियां एक जैसी होती जी। तो देखिए, एक बेटी के साथ ये हुआ और किसी बेटी के साथ ये ना हो, इसीलिए इनकी ये कोशिश है कि ये इंसाफ की लड़ाई लड़े, ताकि औरों के लिए, पूरे समाज के लिए ये एक मिसाल बने।